नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। बुहार मंडी पंचायत समिति बुहार मंडी की जांच रिपोर्ट के बाद सामने आया कि पचपाल तहसील के गंगपुरा खेड़ा में जिन 6 भूखंडों को जमीन बताया जा रहा था, वे सभी जांच के बाद कांग्रेस नेता विनय आस्तुलिया परिजनों की वैध संपत्ति पाई गई। पिछले दिनों आस्तुलिया जब उक्त भूखंड पर निर्माण करने लगे तो कुछ ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और अन्य को शिकायत कर आरोप लगाया था कि वे सभी सरकारी भूमि, जिस पर पंचायत समिति की एक जांच समिति गठित की गई थी। BDO प्रभुलाल वर्मा अध्यक्षता वाली जांच कमेटी ने गुरुवार को अपनी जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी, जिसमें कहा गया कि मौके पर बरसों से कांग्रेस नेता का ही कब्जा है और उनके पास इस संपत्ति के सभी वैध खरीदी कागजात मौजूद हैं, जिनका विभाग के रिकॉर्ड के अलावा ऑडिट रिपोर्ट से भी मिलान हो रहा है। उधर जांच के दौरान स्वयं शिकायतकर्ता ग्रामीणों ने उक्त जमीन के सरकारी होने का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इससे उक्त सभी भूखंड कहीं से भी फर्जी स्वामित्व वाले नहीं पाए गए। अभी पिछले दिनों गंगपुरा में स्थित मेरे 5-6 प्लॉट है परिवारजनों के, तो ग्रामीणों द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि वहाँ पर कब्जा कर रखा है मैंने और मेरे परिवारजनों ने, तो इसकी जाँच SDM साहब के पास शिकायत की लोगों ने, तो SDM साहब ने इसकी जांच पंचायत समिति के BDO साहब को दिए, तो BDO साहब की प्रभुलाल जी वर्मा जो अभी वहाँ पर BDO हैं उनकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई है और उसके अंदर उनने सारी जांच की गई है। उसमें जांच में सारे मैंने से भी जो तथ्य मांगे गए मैंने सारे तथ्य दिए हैं। उन तथ्य और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर जो BDO साहब ने इस कमेटी ने जाँच की है उसमें उन्हें जाँच करी और जांच में उन्हें जो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह है तक जो भी उस वक्त के पट्टे रजिस्ट्री तात्कालीन सरपंच द्वारा जो अदालत में बयान दिए गए हैं किसी केस को लेकर उस पट्टों के मामले में, वो सब जांच के दौरान मेरे पक्ष में पाए गए हैं, जो उससे ये साबित होता है कि उसमें मेरा कोई कब्जा नहीं था और वो मेरे स्वामित्व की भूमि है। पूर्णतः मुझे विश्वास था, मैं न्यायालय में विश्वास करने वाला आदमी हूँ, मुझे जाँच पर पूरा विश्वास था, जाँच मेरे पक्ष में पाई गई है। कुछ ग्रामीण लोगों को साफ सुथरे लोगों, छोटे ग्रामीण गांव के लोग भोले भाले होते हैं, कुछ लोगों द्वारा उनको भड़काया गया, भोले भाली जनता को वहाँ की, उन्होंने मेरे खिलाफ जांच के लिए ज्ञापन दिए कि साहब ये भू माफिया है, इनने कब्जा कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर आ गया है और मैं आपके चैनल के माध्यम के आप सब द्वारा ये जानना चाहता हूँ कि अब ये जाँच देखने के बाद ग्रामीण लोग अब इस किसी के बहकाव में नहीं आएंगे, कोई कानून हाथ में नहीं लेंगे और इसमें मैं बिल्कुल निष्पक्ष पाया गया हूँ। और उस वक्त के तात्कालीन सरपंच जो राम सिंह जी गुजर थे उनने जो पट्टे दिए वो सब पट्टे बिल्कुल वैलिड पाए गए हैं, इसकी जांच तथ्यात्मक रिपोर्ट। मेरा एक सवाल है विनय जी कि छवि को ध्वलित करने का जो काम आपने आरोप लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता है कि कहीं पार्टी पॉलिटिक्स या राजनीतिक, निश्चित आपका कहना है, मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ, राजनीतिक रसूखात वाला आदमी हूँ, तो उसको लेकर कई लोगों ने कई प्रकार की मेरे ऊपर आरोप लगाने की, मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। ये अनर्गल बयानबाजी करके और ये जो पट्टे के मामले में जो बताया है ना कि भू माफिया है, फर्जी पट्टे हैं, इसका आरोप लगाकर, लेकिन अब जांच पूरी क्लियर हो गई है और आप जांच अधिकारी से पूरी जांच के बारे में जानकारी कर सकते हो और मेरी जांच निष्पक्ष निकली है। मुझे आप सब लोगों से अपेक्षा है कि आप बात को सब लोगों को बताओगे। बहानमंडी के समीप ग्राम मालीखेड़ा में पंडित स्वर्गीय हजारी लाल व स्वर्गीय कमलाबाई की स्मृति में कथावाचक पंडित श्री अशोक पुरोहित के मुखारविंद से श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। उसी के तहत भागवत कथा के 6ठे दिवस पर रुक्मणी विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कथावाचक पंडित अशोक पुरोहित के द्वारा रुक्मणी विवाह प्रसंग सुनाया, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कथा का श्रवण करने पहुंच रहे हैं। बकानी कस्बे में स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बकानी की छात्र छात्राओं के दल ने 3 दिवसीय अंतर राज्य शैक्षणिक भ्रमण किया। प्रधानाचार्य सरदार सिंह द्वारा बताया गया कि छात्र छात्राओं के दल ने 29 जनवरी को अंबे माता गुजरात के दर्शन किए और 30 जनवरी को माउंट आबू में ऐतिहासिक स्थलों नक्की झील, सोमनाथ मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर के स्थापत्य शैली की गहन जानकारी शैक्षणिक भ्रमण प्रभारी राजूलाल मीणा द्वारा स्टूडेंट को दी गई। शाम को हल्दीघाटी म्यूजियम पहुंचकर विद्यार्थियों को महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई। झालावाड़ जिले के भकानी पुलिस द्वारा आज 3 विद्युत चोरी के मोटर के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर द्वारा बताया गया है कि पुलिस थाना भकानी में दिनांक 28 जनवरी को रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल जाति लोधा उम्र 50 साल ने उपस्थित होकर विद्युत मोटर चोरी करने का मामला दर्ज करवाया था, जिसे लेकर पुलिस लगातार चोरों की तलाश में जुटी हुई।
जिसे आज थाना अधिकारी अशोक कुमार वर्मा द्वारा आज सूचना संकलन पर आरोपी रमेश चंद पुत्र राम प्रसाद जाति लोरा हुकुमचंद सिंह उर्फ कालू सिंह पुत्र मांगू सिंह जाति राजपूत पब्लू कुमार पुत्र रामप्रसाद भील को गिरफ्तार कर पानी की मोटर भी बरामद की गई और थाने ले जाए जहां से उनसे लगातार पूछताछ की जा रही। झालावाड़ जिले के दहीखेड़ा गांव में आज एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए पंचायत के कनिष्ठ सहायक पंकज गौतम को मकान के पट्टे बनाने के एवज में 2500 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ एसीपी ने बताया कि झालावाड़ एसीपी की यूनिट को परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके भाई के नाम से मकान का पट्टा बनाने के एवज में दहीखेड़ा पंचायत का कनिष्ठ सहायक पंकज गौतम 2500 रुपये की रिश्वत राशि लेने की मांग कर रहा है और उसे परेशान कर रहा है। इस पर एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन कराया और आज अपना जाल बिछाते हुए दहीखेड़ा निवासी ग्राम पंचायत के कनिष्ठ सहायक पंकज गौतम को 2500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। फिलहाल एसीबी टीम आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है और उसके आवास अन्य ठिकानों पर भी तलाश जारी है। उनेल सीमावर्ती खेड़ापति हनुमान मंदिर ग्राम पालन हंगरा में 30 जनवरी से 5 फरवरी तक 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा पंडित पारसद दुर्गेश महाराज के मुखारविंद से की जा रही है। कथा के चौथे दिन कथा स्थल पर श्री कृष्ण जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें कथावाचक द्वारा श्री कृष्ण का जन्म का प्रसंग सुनाया गया। इस दौरान श्रद्धालु कृष्ण जन्मोत्सव पर खूब झूम उठे और कथा का आयोजन अग्रवाल परिवार द्वारा किया जा रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कथा का समापन 5 फरवरी रविवार को हवन यज्ञ पुण्याहुति के साथ होगा। अलावा घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी को रोकने के लिए गुरुवार को जिला रसद अधिकारी जितेंद्र कुमार के साथ परिवर्तन निरीक्षक विनोद कुमार की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान ग्राम पंचायत लावासल में कुल 32 घरेलू गैस सिलेंडर व 2 विद्युत मोटर जब्त की गई। घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक और अवैध उपयोग को रोकने के लिए जिले में इस प्रकार की कार्रवाई नियमित रूप से जारी रही। मनोहर थाना के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम व छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह 4 फरवरी को आयोजित होगा। छात्र संघ अध्यक्ष मनीषा लोधा ने बताया कि छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह व छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम 4 फरवरी को दोपहर को रहेगा, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्र विधायक गोविंद रानीपुरिया रहेंगे और अध्यक्षता जिला प्रमुख प्रेम भाई दांगी, विशिष्ट अतिथि प्रधान राम कन्या भाई तंवर, उप प्रधान जानकी भाई गुप्ता, जिला अध्यक्ष विद्या भारती शिक्षण संस्थान जगदीश सोनी, जिला संयोजक एबीपी राहुल गुजर रहेंगे। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी ट्रस्ट कार्यालय में सार्वजनिक ट्रस्ट कामखेड़ा बालाजी द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट अध्यक्ष पूर्व विधायक कैलाश मीणा, कोषाध्यक्ष सेवानिवृत्त तहसीलदार गंगाराम गुर्जर सहित समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें चल रहे नवनिर्माणाधीन राम मंदिर पर साफ सफाई सही चर्चा की गई। मंदसौर शहर के कोर्ट परिसर में चाइनीज मांझे में उलझे एक पक्षी को पशु पक्षी प्रेमी ओम बड़ोदिया ने नगर पालिका की टीम की मदद से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। गो आरोग्य सेवा समिति के अध्यक्ष पशु पक्षी प्रेमी ओम बड़ोदिया ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट परिसर में एक नीम के पेड़ पर चाइनीज मांझे में एक कौवा उलझ गया, जिसकी सूचना उन्हें प्राप्त हुई तो तुरंत मौके पर पहुंचे और प्राथमिक प्रयास में जब चाइनीज मांझे में उलझे कौवे को नहीं निकाला जा सका तो नगर पालिका के विद्युत विभाग की हाइड्रो इलेक्ट्रिक गाड़ी की मदद से कौवे को निकालने का प्रयास किया गया और लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद जानलेवा मांझे में पक्षी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। मंदसौर शहर के दया मंदिर मार्ग पर व्यापारियों द्वारा अपने प्रतिष्ठान के बाहर सामग्री रख किए गए अतिक्रमण से यातायात बाधित होने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन के होने के बाद नगर पालिका अमला मौके पर पहुंचा और व्यापारियों को हिदायत दी। दरअसल सीएम हेल्पलाइन शिकायत आमजन द्वारा की गई थी, जिसके निराकरण हेतु नगर पालिका टीम गुरुवार को मौके पर पहुंची और दया मंदिर मार्ग स्थित सभी व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दुकानों के बाहर सामग्री रखकर सड़क पर अतिक्रमण किया जाता है और उसके आवागमन बाधित होता है तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका अधिकारी राजेश दावरे ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम हेल्पलाइन पर शहर के नागरिक द्वारा दया मंदिर मार्ग पर दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर आवागमन को बाधित करने की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर नगर पालिका टीम ने मौके पर पहुंच व्यापारियों को समझाई दी, वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगे से सड़क पर अतिक्रमण नजर आता है तो कार्रवाई की जाएगी।
मंदसौर शहर के एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब पर हाल ही में शहर के सम्राट राजा यशोवर्धन की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा स्थापना से पहले तेलिया तालाब परिसर को सुंदर बनाया गया, लेकिन सुरक्षा के अभाव में यहां पहुंच रहे लोग दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तालाब के पुल पर बनाई गई आकर्षक रेलिंग पर जाली नहीं होने से हादसे का डर है। यहाँ पहुँच रहे कई लोग सीमेंट के पिल्लर पर चढ़कर फोटो खिंचवा रहे हैं। ऐसे में यदि किसी का पैर फिसलता है तो वह हादसे का शिकार हो सकता है। जबकि सुरक्षा की दृष्टि से नगर पालिका द्वारा यहाँ दो सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए, लेकिन उनका भी इस ओर कोई ध्यान नहीं। इस मामले में नगर पालिका CMO सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि रेलिंग के आसपास जाली लगाने का कार्य किया जा रहा है, वहीं जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं उन्हें इस तरह लापरवाही बरतने वाले लोगों को रोकने हेतु निर्देश दिए जाएंगे। मंदसौर शहर के बस स्टैंड स्थित नेहरू उद्यान जर्जर अवस्था में आ पहुँचाए। हालात यह है कि अब बगीचे में कुछ समय के लिए ठहरने पहुँच रहे यात्री आमजन इससे दूरी बनाने लगे। नेहरू उद्यान के बहरहाल हालत में नगर पालिका CMO ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्दी ही नेहरू उद्यान नए स्वरूप में होगा। तस्वीरें मंदसौर शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित नेहरू उद्यान की। इस उद्यान के नाम से बस स्टैंड का नाम भी नेहरू बस स्टैंड है, लेकिन उद्यान की हालत बहरहाल। उद्यान परिसर में गंदगी का साम्राज्य, तो वहीं यात्रियों के लिए बैठने की हेतु लगाई गई सीमेंट की कुर्सियां भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ऐसे में लोग जमीन पर बैठने को मजबूर हैं, वहीं अब लोग इसमें दूरी भी बनाने लगे हैं। नेहरू उद्यान में मौजूद लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि नगर पालिका को इस ओर ध्यान देना चाहिए और नेहरू उद्यान की इस बहरहाल व्यवस्था को सुधारना चाहिए। मामले में जब नगर पालिका CMO सुधीर कुमार सिंह ने बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उद्यान को जल्द से रेनोवेट करवाना है, कुछ समय बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा और जल्द ही नेहरू उद्यान फिर से सुसज्जित नजर आएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। कई बार व्यक्ति तनाव में कीटनाशक दवाई सल्फास जहर को खा लेता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। उस जहर खाए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए हमें तुरंत अपनी हाथों की दोनों उंगली को मुंह में डालकर उल्टी करवानी चाहिए, जिससे जहर का कटु भाग उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है और मरीज के बचने की संभावना बढ़ सकती है। जितना जल्दी हो सके हमें मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए ताकि डॉक्टर के द्वारा जल्द से जल्द इलाज। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जे कोई के माता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे आतुर दे चरा है साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जारा रे बन जारा रे You're the best.
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, बहानी मंडी।